पिछौर में आज दुर्गाष्टमी मनाई गई। दुर्गाष्टमी के दिन माताएं बहनें दुर्गा के मंदिर जाती हैं और माता की पूजा अर्चना करती हैं। सराष्टमी की पूजा अर्चना की जाती है और दुर्गाष्टमी का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। आज पिछौर के देवीपुरा मंदिर, काली माता मंदिर, गौरैया माता मंदिर, छोटी माता मंदिर, विजयसेन माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां आज दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना विधि विधान से की। पिछौर के विजयसेन मंदिर पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि माँ विजयसेन का मंदिर काफी प्राचीन है और ये पिछौर से महज 2 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है। विजयसेन माता मंदिर पर पाटा पूजा का बड़ा महत्व होने से शादी के बाद वर वधु यहाँ पर हाथ लगाने आते हैं और पाटा भराते हैं। नवरात्रि में हजारों की संख्या में लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती पूनम सोनी। अच्छा मैम, आप यहाँ पर विजयसेन माता मंदिर के दर्शन करने आई हैं। ये मंदिर कितना प्राचीन है और लोगों की मनोकामनाएं किस तरह पूर्ण होती हैं, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि यहाँ बहुत ये बरसों पुराना है मंदिर, प्राचीन काल का है। यहाँ पर जो जिस लड़की की लड़के की शादी होती है तो पाटा भरने के लिए आते हैं। कभी भी पाटा 12 हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है, और जिस लड़की की शादी हो जाए, लड़का हो या कुछ हो, तो पाटे का बहुत महत्व है और सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। जो विजयसेन मैया बहुत फलदायिनी माता हैं और बहुत घने जंगल में बसी हुई हैं। मैंने तो बहुत पुराना मंदिर है ये। तो ये कब से, मतलब आप कब से दर्शन कर रही हैं? मैं तो छोटे से 5 साल से दर्शन कर रही हूँ। अच्छा, तो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे? बम्बई, कलकत्ता, देश विदेश सब जगह से, जहाँ भी कहीं भी कोई है तो पिछोर के अंदर जरूर आएगा। चाहे एक दिन के लिए आए, लेकिन पाटा भरने के लिए जरूर आना पड़ता है। तो पाटा पूजन का विशेष महत्व है? विशेष महत्व है, हर व्यक्ति को भरना पड़ता है और बहुत सच्चा दरबार है विजयसेन माँ का।